हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। और देश के सबसे बड़े फैसले का इंतजार खत्म हो चुका है। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का सर्वसम्मति से फैसला आ गया है, जिसके बाद कई फैसले का स्वागत किया गया तो वहीं कई विरोध सुर भी सामने आए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शिया बोर्ड की याचिका और निर्मोही अखाड़े का दावा खारिज कर दिया गया। फैसले के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील जफरयाब जुलानी ने कहा, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं, हम आगे की कार्यवाही का फैसला करेंगे। अयोध्या मामले को विरोधाभासी बताते हुए जुलानी ने कहा कि फैसला किसी की हार या जीत का नहीं है। जुलानी ने कहा कि हमारी उम्मीदों के हिसाब से फैसला नहीं आया। मस्जिद की कोई कीमत नहीं, मस्जिद को फरोख्त नहीं किया जा सकता, हमारी मिल्कियत नहीं, मिल्कियत अल्लाह ताला की होती है, लिहाजा उसके बदले में कोई चीज़ देना, 5 करोड़ के 500 करोड़ जमीन की भी कोई वैल्यू नहीं। वो उसका इसका मतलब ये है कि हमारे जो जो कंसेप्ट था उसको समझा नहीं गया। जमीन जो डेडिकेटेड है मस्जिद के लिए, जहाँ पर यूज़र था हमने उसको माना है कि हाँ चबूतरे पर उनका यूज़र है, लेकिन जहाँ उनका कब्जा नहीं था माना गया है कि 1949 में मूर्तियाँ रखी गई, जाहिर है वो हाईकोर्ट ने माना था। तो ये सब मानने के बाद भी ज़मीन उनको पूरी दे देना, ये हमारे लिहाज से जस्ट नहीं है। उन्होंने सूट नंबर 4 को भी लिमिटेशन से बाहर नहीं माना, पार्टली डिग्री किया। और आउटर कोर्ट यार्ड के बारे में हमें ग्रीवांस नहीं है, चूँकि आउटर कोर्ट यार्ड का चबूतरा एग्जिस्ट कर रहा था। इनर कोर्ट यार्ड के बारे में उन्होंने ये कहा कि इनर कोर्ट यार्ड में भी चूँकि मुसलमानों का कब्ज़ा 1857 के पहले का एविडेंस नहीं, जो हमारे ख्याल से जो एविडेंस उन्होंने यूज़ की है वो सब रेफर कर रही मस्जिद को। हम पूरी रिस्पेक्ट देते हैं, सुप्रीम कोर्ट को पूरी रिस्पेक्ट हमेशा दी है, आज भी दे रहे हैं। जजमेंट से डिसएग्री करना ये हमारा राइट है, लेकिन तो हम उसको डिसएग्री करेंगे रिस्पेक्टफुली। हम कोई चीज़ ऐसी नहीं कहेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट के वकार को गिराए। पूरे मुल्क के आवाम से यही अपील करते हैं कि वो पीस और ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन रखें, किसी किस्म का कोई प्रोटेस्ट या कोई एहतियात किसी साइड से नहीं होना चाहिए।